मेरा आज 7 अप्रैल हो गई है, 20 दिन हो गए हैं। 19 मार्च को खांसी और बुखार आए थे और 20 मार्च को उसके एक दिन बाद कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई थी। जब तक कोरोना नहीं होता है ना, तब तक लगता है किसी और की प्रॉब्लम है। और जैसे ही वो पॉजिटिव वो मोबाइल पे रिपोर्ट आई और पॉजिटिव देखा, पूरा दिल एकदम ऐसा बैठ गया। और सबसे बड़ा तो मम्मी पापा का दिल भयंकर बैठा, क्योंकि मैं आया ही था पापा मम्मी के हेल्प करने, और सब उल्टा हो गया काम। पीछे ये 10 बाय 10 कमरे में बंद हूँ पिछले 20 दिनों से। किस्मत की बात है, मतलब अगर आप पूरी हर आदमी पे कोरोना ने अलग अलग तरीके से प्रहार किया है, बहुत कमीनी बीमारी है, बहुत कमीनी बीमारी है। जिनको नहीं हुआ उनको तो लगता है ये सब हवाबाजी है। जो सस्ते में निपट गए 3 दिन में 5 दिन में खांस के एसिम्प्टोमेटिक या कुछ, उनको लगता है कि कोई है नहीं, ये तो बुखार फ्लू है। लेकिन एक पूरी रेंज है जो एंड डेथ में होती है। मेरे साथ में ही 2 और लोग बीमार हुए थे, एक 22 साल की लड़की, एक 58 साल के व्यक्ति। 22 साल की कन्या तो बस थोड़ी बहुत खांसी हुई और आगे बढ़ गई, फिर भी उसका 12-14 दिन लगे उसका नेगेटिव रिजल्ट आने में। लेकिन जो 58 साल के व्यक्ति थे उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, घबराहट, वो सब। तो पूरी रेंज थी एस ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक टू मेरा बुखार खांसी टू हॉस्पिटलाइजेशन, और फिर इवेंचुअल लोगों का आप देख ही रहे हो क्या 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 हो रहा है। तो मेरा पिछले इतने दिनों में बहुत सारे फ़ोन कॉल हुए, कन्वर्सेशन हुए बहुत सारे लोगों के, जिनके छोटे वाले कांवर साहब के, बड़े वाले फूफा जी के, नीचे वाले किराएदार को हो गया था पिछली जुलाई में, से लेके अभी हॉस्पिटल में 4 लोग एडमिट है फैमिली में। मतलब पूरी रेंज, हर कोई, सबका अनुभव है अपना अपना सबका, और वो सबका मतलब वो, अरे हमारा वाला ही इलाज सही है, उस सबने इलाज के फर्रे भेज रखे हैं। मतलब सही है सबका, सबका अपना अपना मन, और सबको सबको ऐसा लगता भी है कि भाई मैं मदद करूँ एक दूसरे की, लेकिन खूब फोर्सफुल हो जाता है कि भैया ये, अरे बिना आइवरमेक्टिन तो आप पूरे घर को दे दो, जिनको नहीं हुआ उनको भी दे दो, पहले दिन दे दो, चौथे दिन दे दो, 7वें दिन दे दो। तो ऐसी खूब सारे की राय है कभी कि आपको RT-PCR टेस्ट पास करना होना, नेगेटिव लाना होना, तो या नींबू के नींबू का रस लगा लो यहाँ पे नाक के नीचे और सब आपका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस तरह की काढ़ा, 50 तरीके के काढ़े के सजेशन आ गए को खूब। तो जो पेशेंट रहता है, अगर वो सब चीज़ की सुने सबकी और करे मन की, पूरा सब निष्कर्ष निकाल के तो अच्छा है, लेकिन नहीं तो पूरा ऐसा लगता है कि जैसे कोई माइक टायसन घूसे मार रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे धाड़, इधर दिया तो इधर से जाके, ये ब्लड टेस्ट कराइए, करा तो चेस्ट CT स्कैन कराइए, करा तो चेस्ट एक्सरे कराइए, कराया तो बस काढ़ा पी लिया। तो पूरे ऐसे प्रहारों में आ जाता है पेशेंट। किस्मत से मेरे पास अच्छे सहयोगी थे, अच्छे कंसल्टेंट थे, अच्छे से मैं विचार विमर्श कर पाया और निष्कर्ष ले पाया। आज 20 दिन हो गए मेरे को। मेरा सिम्टम ये रहा कि मेरे को 15 दिन तक बुखार रहा। अब उसमें ही लोग ऊपर नीचे हो गए, मैंने फेसबुक पे भी लिखा था कि अरे इतने दिन बुखार थोड़ी रहता है, इतने दिन बुखार, आप तो हॉस्पिटल में जाओ, आप तो हॉस्पिटल में जाओ, आप तो रेमडेसिविर लगा। शांत भैया शांत। एक सबसे गुजारिश है कि आप अपने इनपुट दे दो, राय दे दो, लेकिन थोपो मत किसी के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी थोपो मत, क्योंकि जरा सा भी जो हल्का आदमी होगा ना, वो तो बिल्कुल बह जाएगा भावना में, और आप उसके ऊपर कंपल्शन आ जाता है। आप अपने दे दो कि भाई मेरा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, या मेरे XYZ के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, बस आप अपने सजेशन दे दो सामने वाले को। सब चीज़ सबसे ज़रूरी है कि एक उनके पास एक अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा जो जिस पे भरोसा हो, ट्रस्ट हो, एडवाइस, वो आपस में एक दूसरे से बात करके सब, सभी जैसे कोर्ट के मुकदमों में होता है कि सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये निष्कर्ष लिखा गया है। नहीं तो ऐसा ये भैया पॉजिटिव आया और फॉरवर्ड कर दिया, आप तो ले लो 3 दिन की 5 दिन की 7 दिन की डोसेज, वैसे काम नहीं होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे को पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। मेरा ये है कि
इसको लाइट ना लें। अभी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब वैक्सीन सब दूर आ चुका है, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल फिनिश लाइन पे ही थे और ये यहाँ पे ये इसमें दबोच लिया इसने, लाखों लोग बीमार हो रहे हैं, 1 लाख लोग रोज बीमार हो रहे हैं, इतने लोगों की डेथ हो रही है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिल्कुल ये फिनिश लाइन दिख रही थी और आपको और ये पूरा इसमें चपेट में ले लिया और सब तरफ कितनी जोर शोर से फैल रहा है। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, मैंने देखा कि मैं खुद ज़रा सा लिखता हूँ कि मैं अच्छा हो रहा हूँ और मैसेज आते हैं कि सर मिलना आपसे, प्लीज़ लेट्स मिलने की अपन बात नहीं करते हैं, किसी से भी मिलने की बात नहीं करते हैं, ठीक है अपन, और बहुत अगर अभी ठीक नहीं रहे तो फिर क्या मतलब है। अगर अभी सब ठीक रहेंगे, बिल्कुल हाय बाप ना करें और किसी से कुछ नहीं मिलना है, सब फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बातें करें, मास्क लगा के रखें। शिवराज जी इतना बोल रहे हैं मेरा मास्क मेरा हथियार और मेरा स्वास्थ्य मेरा मास्क, मतलब मैं खुद वो की सब वो सोशल मीडिया पे चालू हो जाती है कि अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठने वाले हो, इतने ब्लैक बेल्ट कराटे करने वाले हो, वो बीमार होगा तो फिर अपना क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या कह सकते हो। अपने को अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखना है, अब तो यंग बूढ़े किसी को नहीं छोड़ रहा है, अमीर गरीब किसी को नहीं छोड़ रहा है कोरोना। बस इतना कहूँगा कि बहुत कमीनी बीमारी है, इसको लाइट ना लें, जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती तब तक लाइट ही लेते हैं लोग, कितना ही कर लो। अभी इतना पिछले 3 हफ्ते में इतना हुआ है तो शायद लोग सीरियस हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ जो एक एटीट्यूड है कि चलो मिलते हैं यार, अभी भी लोग मिल रहे हैं, अगर वो सब आप कंट्रोल कर लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, नहीं तो भगवान मालिक। चलो भैया।